कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 40,000 रुपीज से कम के प्राइस में अलग अलग ब्रांड ने अपने दो नए पावरफुल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। एक तरफ वन प्लस का 10R और दूसरी तरफ मोटोरोला एज 30 फ्यूजन। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटोरोला एज 30 फ्यूजन को 39,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R को 34,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 5,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 5,000 रुपीज का डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जबकि वन प्लस के 10R में सिंपल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जो कि एक स्मार्टफोन के लिए इसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है। पर अगर आप लोग जानना चाह रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस के मामले में आगे निकल जाए आता है, तो मोटोरोला एस 30 फ्यूजन थोड़ा सा बेटर हो जाता है परफॉर्मेंस के मामले में वन प्लस के 10R से। दोनों स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में 6.7 इंच की फ्लूट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आप लोगों को वन प्लस के 10R में देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्लूट AMOLED जो डिस्प्ले वो क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों स्मार्टफोन के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में आप लोगों को 1100 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती, जबकि वन प्लस के 10R में 950 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती। दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 1.8 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 13+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे में आप लोगों को OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में भी 1.8 अपर्चर का 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। और वन प्लस के 10R में भी आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है, पर थोड़ा सा अच्छा फोटोग्राफी आप लोगों को वन प्लस के 10R में देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो मेगापिक्सल में तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर रियल लाइफ में इन दोनों स्मार्टफोन की जो सेल्फी कैमरे की फोटो निकल के आती है वो सिमिलर ही निकल के आती है, क्योंकि मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। पर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से काफी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, मेगापिक्सल पर बिल्कुल भी मत जाइए। पर मोटोरोला एस 30 फ्यूजन के सेल्फी कैमरे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि सेल्फी कैमरे से आप लोग 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि वन प्लस के 10R में 4K वीडियो सेल्फी से रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। स्मार्टफोन के अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन सेम स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में भी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है और वन प्लस के 10R में भी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही इन दोनों स्मार्टफोन में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाती है, क्योंकि वन प्लस के 10R और मोटोरोला एस 30 फ्यूजन इन दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक क्लियर विनर निकल के आता है वन प्लस का 10R, क्योंकि वन प्लस के 10R में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 80W के सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मोटोरोला एस 30 फ्यूजन में 4400mAh की एक बैटरी मिल जाती है 68W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, प्राइस में 5000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 35,000 रुपए के प्राइस में वन प्लस का 10R अपनी जगह बेस्ट है और 40,000 रुपए के
प्राइस में मोटोरोला S30 फ्यूजन अपनी जगह बेस्ट है।